150 के 2 मिल जाएंगे भैया के पास। टॉफी के पैकेट 100 रुपए के 4 पैकेट है टॉफी के, इतने 150 भैया कैसे दिया सूट ये 100 रुपए के 2 100 के 2 मिल रहे। ये कितने का है भैया? 80 रुपए में मिल जाएगा ये वाला, 200 वाला है ये देख सकते हो। कैसे दिए भैया? 20 रुपीज की सेल, 20 रुपीज की सेल, 100 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, 100 में 3 है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप माय फैमिली डूइंग वेल। संडे सदर पटरी मार्केट का बिल्कुल ताज़ा सा, बढ़िया सा और अमेजिंग सा व्लॉग लेके आ गई हूँ। आज आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ ये तो आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा, उसके अलावा भी वीडियो में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बोलना नहीं बस बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो अगर आपने देख ली ना, आपका दिल मन तन दिमाग धन सब खुश हो जाएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो देख के। आज की वीडियो में सारी ही जानकारी शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप सारी ही मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड में सदर बाजार संडे मार्केट कैसे पहुंचना है सारी डिटेल्स मौजूद है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते जाइएगा। मैंने स्टार्टिंग की थी 12 टूटी से, 12 टूटी पे ही सबसे पहले बैठते हैं ये टॉफी वाले अंकल और ये 100 में टॉफियों के ये 4 पैकेट देते हैं और ये वाले 100 के 3। अब देखो टॉफी की कॉपी अगर खरीदनी है तो आप इन अंकल के पास से खरीद सकते हो, चॉकलेट्स की कॉपी खरीदनी है तो आप इनके पास से खरीद सकते हो। लेकिन वहां पे जितने भी लोग खरीद रहे थे तो मैंने उनसे पूछा आप इन्हें रेगुलर लेके जाते हो, तो उनमें से एक भैया थे जो कि रेगुलर अपने शॉप्स के लिए लेके जाते हैं, तो उन्होंने बोला इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, बच्चों को पसंद आती है। और क्या चाहिए, चाहे टॉफी जो है ब्रांड की हो चाहे किसी की भी हो, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 150 रुपीज और 200 रुपीज की रेंज में आपको ये बाथरूम स्लीपर्स या फिर विंटर्स में ये काफी ज्यादा चले हैं, ये आपको काफी देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस इनकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और मार्केट में इनका प्राइस होता है 350-450 के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको 150 और 200 रुपए की सेल में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सदर बाजार है, यहाँ पे सिंगल पीस में भी आपको होलसेल दाम देखने को मिलते हैं। एंड गाइस क्वालिटी काफी अच्छी थी इसमें, भैया के पास और भी हैवी क्वालिटीज आई हुई थी जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रही थी। 200 रुपीज में थी ये येलो वाली स्लीपर्स, साइजेस आपको 8 नंबर तक मिल जाएंगे एंड आप लोग ये क्यूट क्यूट सी स्लीपर्स ले सकते हो। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप भी सदर बाजार मॉर्निंग के टाइम जा रहे हो तो उस एरिया में अभी काफी ठंड है, जैसे कि अभी दिल्ली के कुछ एरिया में सर्दी कम हो गई है लेकिन उस एरिया में काफी ज्यादा सर्दी है, इसलिए मैं भी मॉर्निंग में जर्सी और हुडी पहन के गई थी, तो इसलिए प्लीज आप भी पहन के जाना अगर जाओ तो, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी जा रहे हो होली तक भी, और यार होली के बाद भी हवाएं चलती है ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो, मुझे तो ऑलरेडी जुकाम हो चुका है। 150 रुपीज में आपको मिल जाएगी यहाँ पे ये टॉवल्स एंड 300 में 2 150 में 1। भैया के पास मैं टॉवल्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसी टॉवल्स आपको केवल शॉप्स पे बड़ी बड़ी जगहों पे देखने को मिलेंगी, इंद्रलोक में भी ये भैया लगाते हैं, लिमिटेड टॉवल लाते हैं और 10-11 बजे तक सेल करके निकल लेते हैं, काफी सारा अच्छा कलेक्शन रहता है। आगे में ये सेल लगी हुई थी पूरे विंटर से, ये देखा है हमने 100 का 2 100 का 2, लेकिन अब ये हो गया 150 में 5 और 100 का 3। अब देखो जाने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ समर्स का भी आइटम आया है, इसमें आपको मेंस और विमेंस दोनों के लिए आइटम देखने को मिलेगा। और ये भैया थे यहाँ पे जो कि सेल कर रहे थे एंड इनके पास काफी अच्छी अच्छी वैरायटी थी, देख सकते हो काफी बढ़िया टाइम हो रहा था, मैं मॉर्निंग के टाइम पहुंच गई थी, आज मैं मार्केट पहुंच गई थी 7 o'clock करेक्ट और 6:30 में मेट्रो स्टेशन पे उतर गई थी। आप लोग काफी बार टाइमिंग पूछते हो इसलिए बता रही हूँ। 20-20 रुपीज में ये भैया आपको वो मिलेंगे सेल लगाते हुए, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये पाउचेस लाते हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इनके पास होते हैं एंड इसमें हेयर एक्सेसरी होती है, रबर बैंड्स होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के क्यूट क्यूट से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भैया लेके आते हैं, सिंगल वालों के लिए बेस्ट है। 150 रुपीज में यहाँ पे अगेन चादर मिल रही थी डबल बेड की, क्वालिटी काफी अच्छी थी इनकी भी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक भैया थे 150 में 2 स्टॉल दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे 50 रुपए में आपको बच्चों की चप्पलें मिलेंगी, इनकी मैं क्या ही तारीफ कर दूं और कितनी ही तारीफ कर दूं, ये भैया थे और गाइस आज जो इनमें पैटर्न आया ना वो लवेबल है, लवली मतलब बहुत ज्यादा, ये ब्लैक वाला देखो, ब्लू वाला देखो, ग्रीन वाला देखो, कोई सा भी चप्पल आप उठा के देख लो। अब मैं आपको हमेशा इनकी जो कंपैरिजन है वो क्रॉक्स ब्रांड से करके दिखाती हूँ क्योंकि लिटरली अब मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मेरा जो भांजा है उसने भी सेम इसी टाइप की, छोटा है वो अभी 1 साल का 1.5 साल का है, उसको भी हमने इसी टाइप की चप्पलें दिलाई और अभी वो चलना दौड़ना सीखा है, तो काफी अच्छी निकला, हमारा रिजल्ट काफी अच्छा था, मैंने बोला था कि मैं किसी के लिए लेके जाना चाहती हूँ, फाइनली आई गॉट दिस फॉर माय भांजा, तो मेरा तो रिव्यू उनके लिए काफी अच्छा है। अगर आप आ रहे हैं अपने बच्चे के लिए 50 रुपए की चप्पल ले सकते हो, 10 साल तक के बच्चे की अवेलेबल है। 150 रुपए में डबल बेड की चादरों की सेल अगेन मिल रही थी यहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी चादरें इसमें शामिल थी, ये देख सकते हो गाइस, इसमें से आपको बस पिलो कवर खुद बनाना है और साइडों पे आपको इसकी वो बोलते ना फोल्ड करके लाइक सिलाई लगानी है, बहुत अच्छी चादरें बन जाएंगी वो।
150 के दो ये भैया आगे बैठे थे। गाइस एक चीज और बताना चाहती हूँ, सीधा सीधा सदर बाजार को फॉलो कर रही हूँ, कुतुब रोड को, मैं कहीं भी मुड़ी नहीं हूँ। ये सारे ही सेलर्स आपको लाइन से मिलते चले जाएंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ शॉप छोड़नी पड़ती है, जो लोग वीडियो बनाने का अलाउ नहीं करते हैं या फिर जिनके पास कुछ ऐसा कलेक्शन नहीं होता जो आपको दिखाया जा सके। 150 के दो बैग मिल रहे थे। अब ना सिर्फ ये वाले बैग 150 के दो थे, बल्कि इनके पास जो स्लिंग बैग थे वो भी 150 के दो थे। ये देखो, भैया ने बोला ये भी ले लो 150 का दो, चाहे ये भी ले लो 150 का दो। कहने का मतलब है 75 रुपए का आपको बैग पड़ा यहाँ से, और यही बैग आपको काफी जगह 100-100 रुपए के भी मार्केट में देखने को मिलेगी। क्वालिटी 75 रुपए के हिसाब से काफी अच्छी है, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देख सकते हो 100 के दो में यहाँ पे एक भैया सूटों की सेल लगा के बैठे थे। अब मैं इनके बारे में कोई रिव्यू तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगर आप इनमें से अच्छे पीसेस सेलेक्ट कर सकते हो खोल के देख के चेक करके, तो 100 के दो में सूट लेना बुरा नहीं है। काफी लोग कमेंट करते हैं अनामिका लो क्वालिटी है, ये है वो है, आपके पास पैसा है इसलिए आपको ये लो क्वालिटी लगते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है या फिर जो रोडों पे रहते हैं उनके लिए ये शादी पार्टियों में पहनने वाली चीज है। तो प्लीज कुछ भी लिखने से पहले एक बार ये सोचा करो कि इंडिया में हर तरह के लोग हैं, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में हर तरह के लोग। मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, बाकी आपका मुंह है, आपका कॉमेंट बॉक्स है, आप कह सकते हो, ठीक है। 40-50-60 रुपीज में आपको यहाँ पे पूरे दर्जन में आपको हेयर एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी। 60 रुपए दर्जन में आपको हेयर बैंड्स देखने को मिलेंगे। 60 रुपए के पैकेट में आपको 2 दर्जन स्क्रंची मिल जाएंगी। काफी अच्छी क्वालिटी की स्क्रंची थी इन भैया के पास, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अभी मेरी करंट लोकेशन चल रही है जो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम आता है उसी के बिल्कुल सामने की लोकेशन चल रही है, एंड काफी बढ़िया बढ़िया क्लचेस वगैरह आपको 25 रुपए डजन, 30 रुपए डजन, 60 रुपए डजन, 40 रुपए डजन, अलग अलग रेट में देखने को मिलेंगे। अगेन क्रॉक्स वाली चप्पलें काफी सारी है, काफी सारी पटरियां हैं। आप लोगों को मैं हर पटरी पे इसलिए कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ क्योंकि आप में से कई कहते हैं अनामिका हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप कुतुब रोड पे चल रहे होगे ना, कम से कम 12 पटरी आपको इन चप्पलों की मिलेंगी क्योंकि डिमांड में रहती है चप्पल। 20 रुपीज की 3 दर्जन वेलवेट चूड़ी मिल रही थी। ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स को ना देखते हुए चलिया कीजिए। आप लोग फिर कहते हो अनामिका आपको तो मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। तो मुझे इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं छोटी से बड़ी हर पटरी पे अपनी नजर बहुत गढ़ा के रखती हूँ। 150 में आपको मिल जाएगी ये वाली लाइन, 110 में आपको मिल जाएगी ये वाली नेकलेस की लाइन। जो पीछे रखे हैं वो 50-100 वाले हैं, उसमें 25 रुपए से शुरू हो जाती है वैरायटी, और यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो ये मिल जाएगी आपको 85 रुपीज। तो काफी अच्छे अच्छे पैटर्न इसमें आए हुए हैं नेकलेस में, और मैंने आपको सारे ही रेट बता दिए हैं। येलो कलर का था हल्दी के लिए, बहुत ज्यादा बढ़िया था, तो ये आपको 85 में मिल जाएगा, 85। और आज देख सकते हो काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी इनमें आई हुई है, काफी बड़े बड़े कलर्स एंड कॉम्बिनेशन इसमें आए हुए हैं। देख सकते हो ब्राइडल भी भैया के पास यहाँ पे रखा हुआ, मैंने आपको ब्राइडल लास्ट टाइम भी भैया का दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए 50 और 100 दो रेंज में आए हुए हैं स्लीपर्स एंड शूज। गर्ल्स आइटम आपकी बहुत डिमांड थी अनामिका, बस लड़कों के जूते दिखाते हो आप, हमारी तो लड़कियां भी है उनके लिए कौन दिखाएगा। तो मेरे को ये बात खटक गई, मैंने कहा आज तो भाई दोनों का ही दिखाना है। तो बच्चों के लिए छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी से स्नीकर्स मिल जाएंगे, शूजीज मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे सैंडल्स भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यारे थे। और गर्ल्स के लिए हील्स मिल जाएंगी, फ्लैट्स मिल जाएंगी, बलेरियन हील्स मिल जाएंगी। तो काफी ज्यादा बढ़िया कलेक्शन होने वाला है। कलेक्शन है 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे का, 4 साल तक का बच्चा है अगर पतला है दुबला सा तो उसको भी आ जाएगी। उसके बाद देख सकते हो 200-200 रुपए में यहाँ पे नीचे में सूटों की सेल लग रही थी। काफी प्यारे सूट थे, ये जो मिंट कलर का था ना, अब आपको पता है अनामिका का और मिंट कलर का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, पता नहीं क्यों। मेरे पास मिंट कलर का कुछ है भी नहीं, बट आई एम इन लव विद द कलर। तो 200 रुपए में ये भैया सूट लगा के बैठे थे यहाँ पे, काफी अच्छे लगे मुझे सूट, आप ले सकते हो, चेक करके लेना, इतनी ही एडवाइस देना चाहूंगी। आगे में आप जाएंगे 30-30 रुपए में यहाँ पे भैया ने ये लड़ियां लगा रखी थी, इसमें आपको रबर बैंड्स, क्लचेस, छोटे वाले क्लचेस। 60 रुपए डजन में भैया ने ये हेयर बैंड्स लगा रखे थे, बहुत क्यूट थे। 40 रुपए में, 50 रुपए में आपको इस टाइप के और भी क्लचेस वगैरह देखने को मिलेंगे। ये वाली रो आपको 30 रुपीज में देखने को मिलेगी, एंड क्वालिटी तो यार अच्छी होती ही है, देख सकते हो काफी बढ़िया है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेयर बैंड्स की काफी अच्छी क्वालिटी। अच्छा एक चीज मुझे बताना, मेरे को तो अभी स्वेटर पहनना पड़ा है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है। आप लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े बेड में रख दिए या नहीं रखे अभी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है, जैसी सर्दियां गई वो सर्दियां गई नहीं है, पहले उनके कपड़े मम्मी अलमारी में या बेड में लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो गया तो मुझे बता देना, मेरे तो फिलहाल 2-3 बाहर है। तो देख सकते हो यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया हेयर एक्सेसरी मिल जाएगी। आगे में जब आप जाओगे यहाँ पे मिल जाएंगे नेकलेस, 30-30 रुपीज के नेकलेस होने वाले गाइस, ये काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आप में से कई लोग जाते हैं सदर बाजार, मिलते हैं, मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है।
और जितने भी लोग आज मिले उनका भी दिल से धन्यवाद। अब देखो हर एक का नाम मुझे याद नहीं रहता, आपको पता है अगर मैं आपसे कैमरा ऑन करके मिलूंगी, आपकी काफी बार शिकायत होती है अनामिका से मिलते हैं बट अनामिका कभी बताती नहीं है, मैं हमेशा आपका धन्यवाद करती हूँ वीडियो में कि आप मिलते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, उसके बाद 50-50 रुपए की सेल में मिल जाएंगे यहाँ पे गॉगल्स। गाइस देखो, ब्रांडेड से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं वाला केस है, बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स है सीरियसली। मतलब अगर आपको लेने हैं ना 50 रुपए में, यार कुछ भी नहीं है, मतलब ले डालो। ये वाला तो पिंक वाला मुझे बहुत पसंद आया, वाओ अमेजिंग। 50 रुपीज में देखो कितना ज्यादा क्यूट है। सदर बाजार जाओ तो एक चश्मा जरूर खरीद के लाना, 50-50 रुपए में बहुत जगह मिलेंगे, एक ही जगह नहीं है। ठीक है, जब आप सदर में घूम रहे होगे एक प्याऊ आएगा, उसके ही बिल्कुल नीचे व्हाइट टोन की और ये फेयर लवली लैक्मे वगैरह मिल रही थी 30-30 रुपए में। अब आई डोंट नो गाइस क्वालिटी क्या है, बट मेरा दिखाने का काम था कि भाई मिल रही थी। 72 रुपए डजन में ये रिंग मिल रही थी बट भैया को प्रॉब्लम हो गई वीडियो से तो नहीं बनाई हमने उनकी वीडियो। 350 रुपीज में मिल रहे थे बहुत बढ़िया सूट, कलेक्शन बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे। 350 में आपको इसमें कलर्स बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होगे स्क्रीन पे। एंड इसमें हर डिजाइन पैटर्न में सूट्स मिल जाएंगे। कुछ इंद्रलोक वाले लोग हैं जो कि संडे सदर पटरी में आते हैं ऑर्गेनाइज करने पटरियों को, एंड सेम जो सूट आपको इंद्रलोक में मिलते हैं वो सदर पटरी पे कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक आंटी बैठी थी, बहुत क्यूट सी आंटी, शॉल वॉल ओढ़ के बैठी थी, 100 के 12 जोड़ी सॉक सेल कर रही थी और देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारी थी आंटी, मैंने आंटी से थोड़ी बातचीत भी करी। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मिल रहे थे 20 रुपीज में ये गमले, 20 का 1 और 100 में 5 या फिर 6 भी दे देते हैं, बट मैं ये कहूँगी 5 ही ले ले यार, क्यों किसी गरीब इंसान को सताना, एक गमले से कौन सा तुम्हारा पूरा घर सज जाएगा, अपनी अपनी सोच है। 80 रुपए में मिल जाएंगे यहाँ पे काफी अच्छे ब्लाउजेस की रेंज एंड 250 रुपीज तक गाइज ये कलेक्शन जाता है। क्वालिटी वाव अमेजिंग होती है, मुझे पर्टिकुलरली बहुत 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 ज्यादा पसंद आती है। ऊपर में भी काफी सारे सारे डिजाइन लगे हुए थे और आपको मैंने दिखाई दिए, काफी बढ़िया पैटर्न है। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ 350 रुपीज की रेंज में हेवी वाले सूट, जो कि जिन्हें खरीदने आप इंद्रलोक भी जाते हो। मैं बता रही हूँ ना इंद्रलोक वाले कई सारे आते हैं ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली कुतुब रोड को फॉलो करते हुए चलना, 12 टूटी वाले जो कॉर्नर है उससे जाओ तो आप उस तरफ निकल जाना, और जो अपना चांदनी चौक वाली रोड है अगर उधर से आओ तो आप अपना आरके आश्रम की तरफ निकल जाना। ठीक है, और एक चीज अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहोगे तो वीडियो के एंड में एक एडवाइस भी दूंगी, उसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, 350 रुपीज में बहुत अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से, आई लव द येलो वन, एंड पता नहीं क्यों मुझे मस्टर्ड कलर से भी धीरे धीरे प्यार होने लगा है, एंड मिंट के लिए मेरा एक सेपरेट फैन बेस है लेकिन जो मस्टर्ड कलर है उससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार होने लगा है। एंड आई एम गोइंग टू थिंक कि मैं एक मरून कलर का सूट अपने लिए स्ट्रेच कराऊं, तो आप लोग भी देखना चाहते हो कि मैं कौन सा मरून वाला सूट जल्दी लेने वाली हूँ, आप बताओ अच्छा कॉमेंट सेक्शन में। आप तो मुझे देख चुके हो सब लोग, मेरे ऊपर मरून कलर का सूट शूट करेगा या नहीं करेगा, नॉट शूट, सूट करेगा या नहीं करेगा। मरून कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल, आई डोंट नो व्हाई, क्या पता मेरी शादी होने वाली हो। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आई हुई है यहाँ पे, 350 रुपीज की रेंज है, ऊपर डिजाइन भी लगे हुए हैं, हंसी मजाक बातें चलती रहेंगी। और 100 के 4 में आप पायदान जरूर लेके आना, अगर आप अपनी मम्मी की डांट से बचना चाहते हो तो जरूर लाना। उसके बाद ही आंटी ट्रॉली लेके चली गई तो हमने सोचा चलो हमें भी चलना चाहिए, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे अगर आप आना चाहते हैं सदर बाजार, 30 हजारी और आरके आश्रम मार्ग, ये दो मेन है। उसके अलावा मैं अगर आप मुझसे पूछोगे ना पर्टिकुलरली, मैं आपको कोई सा भी मेट्रो स्टेशन सजेस्ट नहीं करूंगी, 30 हजारी आपको मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप मॉर्निंग के टाइम आ रहे हैं तो। आरके आश्रम अगर आप दोपहर में 11 बजे 12 बजे कभी भी आ रहे हैं तो मैं आपको आरके आश्रम ही सजेस्ट करूंगी, क्यों, क्योंकि आपको भीड़ ना के बराबर मिलती है आरके आश्रम वाली साइड से, और 30 हजारी में गाइस 2-2 घंटे जाम में आप फंसे रहोगे, और रास्ता कितने का, सिर्फ 10 मिनट का, अगर आप पैदल चलोगे ना 30 हजारी से सदर की तरफ ओनली 10 मिनट में पहुंच जाओगे। बाकी ये भी नियरेस्ट है, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट डे जो है संडे है, वीकली मार्केट जो लगती है, जो आपने आज देखी वो संडे को लगती है सुबह 6 से 5। ये जितने भी पटरी वाले हैं आपको सुबह 6 से 10 बाकी दिन भी मिल जाएंगे, ये पक्की बात है, कोई झूठी बात नहीं है, मैं काफी टाइम गई हूँ आपके लिए रिकॉर्ड भी किया है। दुकानें 7 दिन खुली रहती है, हाँ कुछ पर्टिकुलर दुकानें संडे के दिन बंद रहती है। चोरी चकारी बहुत होती है, पर्स काटना जेब काटना बहुत होता है, इसलिए प्लीज चोरों से सावधान रहना। अगर बच्चों को साथ लेके जा रहे हो तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, और मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूंगी, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, प्लीज अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ना लाया करो, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे ही सदर बाजार में इतना सामान जो है सस्ता नहीं है, तो इसलिए आपकी आज की एडवाइस मेरी यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, और आपका इतना सपोर्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है उसके लिए आपको तहे 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 दिल से धन्यवाद। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप और कौन सी मार्केट की वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ऑफिशियल अनामिका आर्या के नाम से, आप वहां आके फॉलो कर सकते हो। अनामिका मार्केट ब्लॉग्स के नाम से भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी, मेरी दोनों ही आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो।
आप अगर सदर बाजार के और भी अच्छे अच्छे लेटेस्ट ब्लॉग एंजॉय करना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, आई लव यू सो मच।